गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम योर जीके टीचर मिस्टर धीरेन्द्र चौहान। आज हम आपके सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, यूनिट टू में आपके लैंग्वेज प्ले है, जिसमें आपका 8 चैप्टर है, ठीक ना? तो इसमें से आप तीन चैप्टर को हम लोग लीव कर देंगे, जिसमें पहला है क्रिएटर्स एंड कैरेक्टर्स, और उसके बाद आपका लेसन नंबर थर्ड है पॉपुलर कोटेशन, और लेसन नंबर फाइव है व्हाट डू वी मीन, यानी इससे हम क्या समझते हैं। तो इसमें हम 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये क्रिएटर्स एंड कैरेक्टर्स है, इसको हम लोग लीव कर देते हैं और बात करते हैं अब लिटरेसी वर्ड्स की। देखिए, लिटरेसी वर्ड्स क्या है। देखिए, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनल पर्सन लाइफ दैट इज रिटन और रिकॉर्डेड बाय दैट पर्सन, यानी एन अकाउंट वह खाता ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के लाइफ का, यानी कि कोई ऐसा खाता हो जिसमें व्यक्ति के लाइफ के बारे में लिखा गया हो, रिटेन उसके द्वारा लिखा गया हो या रिकॉर्ड किया गया हो बाय दैट पर्सन, उसी व्यक्ति के द्वारा, ना? यानी कि कोई ऐसा खाता हो या कोई ऐसी किताब हो जिसके बारे में उस व्यक्ति ने खुद लिखा हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बायोग्राफी। सेकेंड है आपका एन अकाउंट ऑफ द पर्सन लाइफ रिटन बाई अनदर, यानी कि वही अकाउंट वही हो, ठीक है, उसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अकाउंट हो लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, उसे बोलते हैं ऑटो बायोग्राफी। ए पर्सन इन ए स्टोरी और ड्रामा, ठीक है, एक व्यक्ति इन ए स्टोरी कहानी में या नाटक में वो क्या होता है, ड्रामा होता है। अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स लाइन्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स लाइन, ये होता है लिरिक, यानी कि पद्यांश। नेक्स्ट है आपका अ स्टोरी रिटन इन डायलॉग और कन्वर्सेशनल फॉर्म सो दैट इट कैन बी स्पोकन एंड एक्ट, ठीक है, ये होता है प्लॉट, यानी संवाद, डायलॉग भी कह सकते हैं यहाँ पर। समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी कुछ सत्य नहीं है। अ कैटेगरी यूज टू डिस्क्राइब नॉवेल, इसको बोलते हैं ईपिक। अ स्टोरी ऑफ टेरर ऑफ सस्पेंस यूजली सेट इन द ग्लूमी कैस्टल और मोनास्ट्री, ये होता है नावल, यानी उपन्यास। अ रिटन वर्क, कोई लिखा हुआ कार्य दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसके फैक्ट्स पे निर्भर करता है, इसको बोलते हैं क्रिटिज्म। नेक्स्ट देखिए, एन इन्वेंटेड और फिक्शियस स्टोरी दैट यूजली डील्स विथ ह्यूमन रिलेशनशिप्स ऑफन इन स्पेसिफाइड सिटिंग, इसको बोलते हैं फिक्शन, ठीक है, ये होता है फिक्शन। नेक्स्ट आपका अ सीरीज वर्क रिप्रेजेंटेटिंग द अनहैप्पी डाउनफॉल अ सेंट्रल कैरेक्टर सच एज विलियम शेक्सपियर या हेमलेट, ठीक है, यानी कि विलियम शेक्सपियर की तरह कोई हमारा सेंट्रल कैरेक्टर या सीरियस वर्क के को जो प्रस्तुत करता है वो होता है कोपलेट। अ लॉन्ग नरेटिव पोयम सेलिब्रेटिंग इज ग्रैंड स्टाइल द ग्रेट डीड्स ऑफ वन आर मोर लीजेंडरी हीरोज, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटोरिक, ये होता है आपका रिटोरिक। अ पोयम लेमेंटिंग द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और पब्लिक फिगर, ये होता है सॉनेट, ना? एक एक कोई ऐसी कविता हो लेमेंटिंग द डेथ ऑफ फ्रेंड, यानी कि मित्र की मृत्यु के बारे में, या पब्लिक फिगर, ये होता है सॉनेट। ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी, ऑफन अबाउट एनिमल्स, जैन एनिमल्स के बारे में, हु बिहेव एंड टॉक अस ह्यूमन वीच टीच टीच अबाउट राइट और रॉन्ग, यानी कि जो आपको सही और गलत के बारे में बताए वो होता है कैरेक्टर। ए काइंड ऑफ राइटिंग दैट मेक्स फन द फेलिंग इंडिविजुअल और सोसाइटीज, नॉन फिक्शन। ए लिरिक पोयम ऑफ 14 राइमिंग लाइन्स और इक्वल लेंथ, मेटाफर, यानी ये मेटाफर अलंकार होता है, ठीक है, यानी कि मेटाफर एक अलंकार होता है। ए लिरिक पोयम ऑफ 14 राइमिंग लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि उसकी जो 14 लाइन होंगी वो बराबर लेंथ में रहेंगी, ठीक है, यानी जितने शब्द ऊपर रहेंगे उतने शब्द नीचे भी रहेंगे। द पैटर्न ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी और प्ले, ठीक है, ये होता है आपका गॉथिक नावल। एक्सप्रेसिंग द राइटर्स पर्सनल फीलिंग एंड थाट्स, ठीक है, यानी किसी राइटर की पर्सनल, यानी कि स्वयं की उसकी फीलिंग हो और सोच हो, यूज टू डिस्क्राइब पोएट्री, ठीक
ठीक है, उसको पोएट्री में लिखने की कोशिश की गई है, वो होता है फेवल। द रीजेंट डिस्कशन ऑफ लिटरेरी वर्क ट्रेजिडी, इलोक्वेंस इन पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग द मोस्ट परस्यू इफेक्ट, ठीक है, मोस्ट परस्यू इफेक्ट, इसको बोलते हैं सटायर, हाँ, SATIRE, ठीक है, इसको SATIRE होता है सटायर। ए वर्ड और फ्रेज यूज्ड अबाउट अ थिंग और एन एक्शन दैट इज नॉट लिटरेरी ट्रू बट डिस्क्राइब इट इमेजिनेटली, ये होता है फ्लेगी, या FLEGY, इसको बोलते हैं फ्लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लिटरेसी वर्ड ना, यानी कि साहित्यिक शब्द कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर को हम इमेज भेज देते हैं।